bro. अभी हम उच्च विद्यालय की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के आपको मरीज अपडेट देते हैं कि कितना एंशियंट सिटी है इटली का। खूबसूरत सराउंडिंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द जंगल। आज मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी जगह है और क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इस जंगल का नाम है रोमानिया, फॉरेस्ट द रोमानिया, और ये है वेनिस से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर होगा। आ जाएं ऊपर की तरफ ज़रा, वहाँ पर एक टिपिकल किस्म की, ख़ास किस्म की वाइन बनती है, वहाँ जाते हैं अभी। और ये बहुत ही पुरसकून खूबसूरत जगह है। अगर मैं खामोश होंगे तो आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आएगी। फुल नेचर, नो? डू यू लाइक दिस प्लेस? अपसाइड, ओके। आ जाएं जी इधर, बहुत ही खूबसूरत और ये पुरसकून जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। हमारे घर के करीब ही है और ये पीछे से इशारे कर रही हैं कि इस तरफ से दिखाएं, ज़रा दिखाएं जी। ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा पार्क है ये। मैंने तो समझा था कोई छोटा सा ही होगा, लेकिन अभी आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया चल चल के। किधर जाना है, कितना दूर जाना है और कौन तो टेम्पो प्यू वेंदी मिनोती एत्सोरा। जाते हैं हम, अब जहाँ तक रास्ता जा रहा है वहीं तक जाते हैं। ये बिल्कुल जंगल के बीच में है, सेंटर में। थोड़ा लेफ्ट और राइट अगर आप देखेंगे तो सारी तरफ जंगल है और ख़ूबसूरत पुरसकून नेचर का माहौल है। अगर मैं अपनी आवाज़ खामोश करूं तो आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आएगी। आ जाएं जी आगे, ये पूरा एक ट्रैक है यहाँ पर, हमारे घर के करीब ही है। इस फॉरेस्ट का नाम है फॉरेस्ट रोमानो। तो अभी ज़रा सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, विंटर्स का सीज़न ख़त्म हो गया, स्प्रिंग का शुरू होने वाला है। तो हमने कहा एक छोटी सी ज़रा वॉक लें खूबसूरत से माहौल में। और ये जगह स्पेशली टिपिकली फ्रियुली वेनेत्सिया जूलिया के रीजन में है। और ये रीजन जो है एक तरफ से अप साइड से ऑस्ट्रिया की तरफ लगता है बॉर्डर, और राइट साइड से स्लोवेनिया की तरफ लगता है। अभी अगर हम जब इस टाउन से बाहर जाएंगे तो स्लोवेनिया तकरीबन 20 किलोमीटर्स के फासले पर होगा। थोड़ी बहुत यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हैं, हियर आर सम डिटेल्स वी कैन फाइंड हेयर, वट काइंड ऑफ फ्लावर्स, वट काइंड ऑफ हर्ब्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर कुछ हर्ब्स के नाम हैं, ये निकुआ अप साइड प्रीमूला, प्रीमूला येलो वन, गुड, यस एग्जैक्टली दिस वन। तो जो जो फ्लावर्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पर इसकी डिटेल्स और हिस्ट्री आपको नज़र आएगी। गिगलियो मार्तागोने क्रोको सिल्विया एरबा, तो ये सारी हर्ब्स यहाँ पर इसी फॉरेस्ट में, इसी पार्क में मिलेंगी। और बैक साइड पर बहुत बड़ी यहाँ पर, वो अगर ऊपर राइट साइड पर करें कैमरा तो राइट साइड पर बहुत बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला है। यहाँ पर वाइन बनती है, यहाँ पर फ्रियुलियन वाइन, टिपिकल वाइन है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है किस तरह की वाइन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन होती है। बाद में जाएंगे, आ जाएं जी नीचे ध्यान से। okay. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. This pure forest area, man. पूरी वाइनरी में कोई भी नहीं है हमारे अलावा। मेरा ख्याल है आज कोई, बल्कि दो बंदे वहाँ हैं,
पूरे 10-12 किलोमीटर के एरिया में दो बंदे ही देखे हमने। स्ट्रेंज। यहाँ पर ये इन तमाम जगह पर, बल्कि इस रीजन में और इस टाउन में सब जगह वाइन बनती है, खसूसन वाइनरीज हैं, वाइन यार्ड हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम ज़रा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे कि क्या निज़ाम है आगे। और इस पार्क का नाम है, बल्कि इस पार्क का नहीं, इस वाइनरी का नाम है ला तुनेला। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत, काम और पुरसकून माहौल है, नेचुरल माहौल। अभी मैं यहीं से गुजर रहा था, इसी तरफ एक बंदे ने पूछा, हाँ जी रेड वाइन या वाइट वाइन। हमने कहा भाई किन कामों पे लगा रहा है, अजवाइन है तो दे दे, गैस हो गई अभी फ़िलहाल। तो ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर टोटल वाइन बनती है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इटली, इटली नॉर्थ, और ये रीजन जो है स्लोवेनिया से बिल्कुल 12 से 15 किलोमीटर के नज़दीक होगा। उस बैक साइड से अगर आप टाउन से बाहर निकल जाएँ तो स्लोवेनिया में पहुँच जाएंगे। और ये पूरी जगह यहाँ पर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एवरीवेयर इज दे आर प्रोड्यूसिंग वाइन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इटली। चलें जी। कभी को दबल दी लैला, करीना करीना।